जी सलाम, मैंने अभी भी कॉल की थी आपको दुबई से पहले, डॉक्टर काशी से बात कर रहा हूँ जी। तो जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे वो हनीफ के बारे में और हनीफ साहब के बारे में, तो आपने बोला कि जी आप मुफ्ती साहब के पास ही आ जाए और इन्हीं के रूहानी सिलसिले में अगर आप शामिल होना चाहें तो हो सकते हैं। तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि अगर मतलब उन लोग आना चाहें, जैसे दो तीन महीने में अगर अमेरिका जाए, डॉक्टर है दोनों, तो थोड़ा छुट्टी मैनेज करके आना पड़ता है, तो फिर हम लोग इनसे कैसे मिल सकते हैं या कैसे बात कर सकते हैं, मतलब ये जानना चाहता हूँ। कोई कॉन्टेक्ट नंबर या कोई ईमेल वगैरह? जी जरूर, हजरत वाला इसकी आपको बता देते हैं कि किस तरह आपसे वो मुलाकात करेंगे। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। पहली बात तो है कि इसका ताल्लुक एडवाइस के साथ नहीं है। अब डॉक्टर फैसल ने आपको एडवाइस दे दी कि मुफ्ती मुनीर से आप बैत हो जाए, तो ये तो इनका हुसन जान है, क्योंकि मैं इनका शेख हूँ तो ये अपने शेख की बात करेंगे। लेकिन इसका तो एडवाइस के साथ नहीं, इसका ताल्लुक आपकी चाहत और आपके जो है हुसन जान पर है। बिल्कुल, तो आपको जितना जो है, क्योंकि बैत होने के लिए दो बुनियादी शर्तें हैं। पहला ये कि दिल से सच्ची अकीदत हो और मोहब्बत महसूस करते हो, उस महसूस करते हो उस शख्सियत से जिसे आप बैत हो रहे हैं। दूसरा, उसके ऊपर कामिल एतमाद हो आपको कि जो हिदायत देगा, जो वो बात कर रहा है उस पर हमें कामिल एतमाद है, बगैर किसी कील काल के हम उस पर अमल करेंगे। तो ये जज्बा होना जरूरी है। अगर आपको जिस शेख के साथ इस तरह की मुनासिबत पैदा हो जाए, आप उससे बिल्कुल बैत होंगे, अब आपको नफा होगा। क्योंकि असल तो फैजान अल्लाह की तरफ से आना है, हम तो दरमियान में वास्ते हैं। तो बाकी डॉक्टर फैसल ने आपको तजवीज दी, लेकिन आप खुद अपने आप को भी टटोले कि हाँ हमें मुफ्ती साहब के साथ कल्बी ताल्लुक कितना महसूस हो रहा है, कैसा खिंचाव महसूस हो रहा है, और फिर उनके इलम पर, उनकी मार्फत पर हमें कितना एतमाद है। तो अगर आप उसके अंदर महसूस करते हैं नहीं 100% ये सूरत हाल है और हम बिल्कुल इसके खां हैं कि मुफ्ती साहब से बैत हो, फिर आप बैत के लिए दरख्वास्त पेश करें। अगर ये सूरत हाल है, बैत इस तरह होना चाहते हैं, उसका आसान एक तरीका यह कि दूर वालों के लिए बैत होने में तो प्रॉब्लम नहीं है, सोबत मुर्शिद के लिए आपको आना चाहिए। बैत आप दूर से भी हो सकते हैं, उसका तरीका हमने जो है वो मुतय्यन किया हुआ है। तो उसे व्हाट्सएप के ऊपर जो हम जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भेज देते हैं, उस फॉर्म को आप फिल कर दें, उसमें तलकीन के अल्फाज आप कह दें और आप जो है वो हमारे सिलसिले में बैत हो जाते हैं। इतला कर दें हम बैत हो गए, आपको फिर मामूलात भेज दिए जाते हैं, उन मामूलात पर आप अमर शुरू कर दें। अब जब आपको मौका मिले 2-4 महीने में शेख के पास आने का, फिर आप इतला करें कि हम अमरीका आ रहे हैं, आप शेख से मिलना चाहते हैं, फिर आपको बता दिया जाएगा कि हाँ फला वक्त फला दिन में आप जो है अपने पीर से मिल सकते हैं। तो ये वो तरीका है। तो इसलिए आप जो है मेरा व्हाट्सएप के ऊपर आप अपनी रिक्वेस्ट भेज दें, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भेज दिया जाएगा, आप जो है उस पर बैत हो सकते हैं। तो वो नंबर नोट कर लें, 347-458-9061 ये नंबर है। व्हाट्सएप इस पे कर दें, रिक्वेस्ट कर दें, आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म फिल कर दें और बता दें कि फिल कर दिया है, अब आपको मामूलात भेज दिए जाएंगे और जो हिदायत दी उस पे अमल करना शुरू कर दें। तो क्योंकि सिलसिले में आप दाखिल हो गए, लेकिन अब जब मौका मिले तो सोबत मुर्शिद के लिए आप मुर्शिद से आके मिल सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह आपको बरकत अता फरमाएगा। आमीन सुम्मा आमीन।